सो मेरे पास ना ये क्वेरी बहुत बार आती है, तो आई वॉन्ट टू गेट इट रिजॉल्व वंस फॉर ऑल. ओके नाउ सो अंडरस्टैंड, क्वेश्चन आता है सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें. बच्चों समझो, प्रेजेंट वैल्यू तीन तरह का होता है, ठीक है. पहला होता है टाइप वन, दैट इज सिंगल अमाउंट टू बी पेड इन द फ्यूचर, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा. जैसे एग्जाम्पल, आपको 5,000 पे करना है 3 ईयर्स के बाद, आज के दिन उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा. टाइप टू, स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स, सेम अमाउंट सेम टाइम. एग्जाम्पल, 2,000 पर ईयर टू बी पेड फॉर 3 ईयर्स. फर्स्ट ईयर के एंड में 2,000, सेकेंड ईयर के एंड में 2,000, थर्ड ईयर के एंड में 2,000. थर्ड टाइप, स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स, जहां पे अमाउंट्स डिफरेंट है. एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर के एंड में 2,000, सेकेंड ईयर के एंड में 5,000, थर्ड ईयर के एंड में 8,000. अमाउंट्स डिफरेंट है. तो ये तीनों ही केस में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है, आ जाओ हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो एग्जाम्पल ऑन टाइप वन, दैट इज फिफ्थ ईयर के एंड में आपको 5,000 पे करना है, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा. तो हम लोग पूरे ही तीनों, तीन एग्जाम्पल लेंगे, हर एक टाइप का एक एग्जाम्पल लूंगा मैं. तीनों में ही आप ये अज्यूम कर लेना कि डिस्काउंट रेट आपका 10% होगा. हमारा डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट 10% होगा. तो अब समझो, यहां पे 5,000 को आपको डिस्काउंट करना है 5 ईयर्स के लिए. अभी इसका वैल्यू क्या होगा आपको ये फाइंड करना है, आज के दिन का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना. सबसे पहले आप निकालो डिस्काउंट फैक्टर क्या है, दैट इज 1 + रेट बाय 100. रेट क्या है, 10%. सो 1 + 10 बाय 100, दैट इज 1.1. अब कैलकुलेटर उठाओ, आप कैलकुलेटर में लिखो 1.1. अगर आपका रेट 5% है तो क्या होगा, 1 + 5 बाय 100, दैट इज 1.05. अगर आपका रेट 8% है तो क्या होगा, 1.08. अगर आपका रेट 11% है तो क्या होगा, 1.11. ठीक है. नाउ आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में लिखो 1.10, फिर प्रेस करो डिवाइडेड दो बार, डिवाइडेड डिवाइडेड. ओके, अब आपको प्रेस करना है इक्वल्स टू एन टाइम्स. सर ये एन का मतलब क्या है, तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स. एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स. So equals to को आपको n times बनाना होगा. यहाँ पे n number of years क्या है, 5. So equals to को आप दबाओगे 5 times, 1, 2, 3, 4, 5. कितना आया, 0.6209. इसको आप amount से multiply कर दो. amount क्या है, 5,000 multiply कर दो, ये आ गया आपका present value. Simple था. मैंने क्या किया, पहले discount factor निकाला, 1 + rate by 100, divided divided, equals to n times. आपका डिस्काउंट फैक्टर आ गया यहां पे, इस डिस्काउंट फैक्टर को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, प्रेजेंट वैल्यू आ गया. ये हो गया आपका टाइप वन. टाइप टू में चलते हैं. टाइप टू क्या बोल रहा है, आपको 5,000 पे करना है हर साल फॉर 5 ईयर्स, 1, 2, 3, 4, 5. तो इसमें कैसे निकालना है, अगेन प्रोसेस सेम है. पहले डिस्काउंट फैक्टर निकाल लो कैसे, 1.1, राइट. अगर आपका 10% का रेट है तो 1 + rate by 100, दैट इज 1 + 10 by 100, दैट इज 1.1. अगर आपका रेट 5% है तो 1.05. अगर आपका रेट 8% है तो 1.08. अगर आपका रेट 12% है तो 1.12. तो आपका रेट क्या है, 10%, तो 1.10. अब आप प्रेस करोगे डिवाइडेड दो बार, डिवाइडेड डिवाइडेड. फिर आप प्रेस करोगे इक्वल्स टू एन टाइम्स. एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स. कितना नंबर ऑफ इयर्स है, 1, 2, 3, 4, 5. तो इक्वल्स टू आप प्रेस करोगे एन टाइम्स, 5 times, 1, 2, 3, 4, 5. अब यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि हर साल आपको पे कर रहे हो, हर साल आप पे कर रहे हो, तो आपको यहां पे एक बटन दबाना पड़ेगा, जीटी. आपके कैलकुलेटर में एक बटन होगा जीटी. जीटी मतलब ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल. आप जीटी प्रेस करो तो आपके कैलकुलेटर में कितना आया अमाउंट, 3.7908. अब आप इसमें अमाउंट मल्टीप्लाई कर दो. अमाउंट क्या है, 5,000. अमाउंट क्या है, 5,000. ये आ गया आपका 189,53.93. ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू. टाइप थ्री क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स पे करना है आपको हर ईयर एंड पे. तो ईयर एंड वन पे 2,000, ईयर एंड टू पे 5,000, ईयर एंड थ्री पे 4,000, ईयर एंड फोर पे 7,000. अब इसका कैसे करें, क्योंकि अमाउंट्स डिफरेंट है तो हम लोग ये वाला सेम लॉजिक यहां पे यूज नहीं कर सकते हैं. एग्जांपल नंबर टू वाला लॉजिक यहां पे नहीं यूज कर सकते. तो यहां पे क्या, आपको टैबुलर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ईयर, अमाउंट, डिस्काउंट फैक्टर द रेट ऑफ 10% और प्रेजेंट वैल्यू. तो डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालोगे, अगेन 1.1. अगर आपका रेट 5% तो 1.05, अगर रेट आपका 8% तो 1.08. तो 1.1 आपका, क्योंकि रेट 10% है तो 1.10 डिवाइडेड डिवाइडेड इक्वल्स टू कितना आया, 0.9091.
फिर इक्वल्स टू कितना आया 0.8264, फिर इक्वल्स टू कितना आया 0.7513, फिर इक्वल्स टू कितना आया 0.6830। तो ये आपने लिख दिया डिस्काउंट फैक्टर। अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 1808। आप इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 4132। इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 3005। इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 4781। अब आप सबको टोटल कर दोगे, आप सबको टोटल करोगे तो आ गया 13736। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। टू समराइज मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां पे अगर टाइप वन सिंगल पेमेंट है आपको फ्यूचर में करना है तो 1+R/100 आपका आगे डिस्काउंट फैक्टर, फिर डिवाइडेड दो बार, डिवाइडेड का बटन दो बार दबाना है आपको, फिर एन टाइम्स आपको दबाना है इक्वल्स टू, आपको दबाना है एन टाइम्स, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आपका जो भी अमाउंट आया, जो भी रेशियो बेसिकली अमाउंट आएगा यहां पे डेसिमल्स में, उसको आप अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अगर आपका स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स है और सेम अमाउंट है, हर साल सेम अमाउंट पे करना है, जैसे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आपको हर साल पे करना है, तो उस केस में आपको बस एक एक्स्ट्रा बटन दबाना पड़ेगा GT। लेकिन अगर आपका अमाउंट डिफरेंट है, तो आपको टैबलो फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सबको टोटल करोगे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। आई बिलीव आपका प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब